सीकर में हुई गैंगवार मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करने वाले 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां भी चली और जिसमें 2 बदमाश जख्मी हो चुके हैं, 2 शूटर हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं 3 शूटरों को राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार किया गया है और 3 बदमाश नवीन मेघवाल, इसके अलावा जतिन मेघवाल और सतीश कुम्हार हरियाणा के भिवानी के रहने वाले। वहीं 2 शूटर मनीष जाट और विक्रम गुर्जर सीकर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए इनके साथ से। वो पहली तस्वीर जब ये शूट आउट की तस्वीरें कैप्चर हुई थी, उसके बाद अब गिरफ्तारी इनकी हो गई है। तो मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये 2 गुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भवानी, सीकर गैंगवॉर के 5 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल बड़ी कामयाबी है जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 24 घंटे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू से और हरियाणा बॉर्डर से, हरियाणा के डाबला गांव से गिरफ्तार किया और 3 को झुंझुनू से गिरफ्तार किया। 3 इसमें से 3 शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं, 2 सीकर के ही हैं, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको जसप्रीत बता रहा हूँ, यहाँ पर सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर है, वहाँ अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स तैनात है। अभी 2 शव यहाँ रखे हुए हैं, एक राजू ठेठ का है, एक ताराचंद जो अपनी बेटी से मिलने आया, वो उनकी मौत हो गई थी। दोनों के शव रखे हुए हैं। मांग ये कर रहे हैं कि राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा दी जाए और दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि ताराचंद के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। उसकी मांग को लेकर अभी भी शव नहीं ले रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। जी जसवीर, भिवानी, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई उसके बाद लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, लाजमी है, और यही वजह है कि वो सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भले पुलिस को आज ही कामयाबी हाथ लगी हो कि उसने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन ऐसा माहौल कैसे हो जाता है जहां पे गैंग वॉर की घटना हो और उसमें मारा जाए कौन, राजू ठेहट भी और एक आम आदमी जिसका इस पूरे किस मसले से लेना देना ही नहीं था। देखिए बहुत बड़ी बात है, जहां पर ये गैंग वॉर हुई है आप देखिए कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका और सीकर के सबसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर वो एडमिशन लेते हैं 2 शूटर। उसके बाद में 1 महीने तक रेकी करते हैं, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं और उसके बीच में दिन दहाड़े आप देखिए कि किस तरीके से जो CCTV तस्वीरें, गोलियां चलाते हुए भाग रहे हैं। मौके पे हम जाकर आए, जो नजारा आ रहा वहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट थे और इस गोलीबारी के अंदर, क्योंकि हवाई फायरिंग भी की थी, किसी स्टूडेंट की जान भी जा सकती थी, तो ये काफी रिस्क वाला है। और आप देखिए कि देश भर में जहाँ क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त जो गैंगस्टर के खिलाफ, और उसमें सीकर की गैंग वार देश भर के लिए बहुत बड़ा सबक है कि किस तरीके से अभी भी जो गैंग है वो इतनी हावी है। जी ठीक है भवानी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। समर्थकों का प्रदर्शन आज भी जारी है। ठेहट के समर्थकों ने आज